नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है वेवन विद हरिओम में। इस वीडियो को में जो फ्रेंड्स बात करेंगे, पार्ट टू है ये, जो पेपर हुआ 3 जून को उसके बारे में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को काफ़ी देर से जो है प्रयास कर रहा हूँ, जो है सुबह से ही, कि आप सबको जल्दी से जल्दी मिल जाए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है लग रहा, कुछ जो भी समस्या हो, अपलोड नहीं हो रहा था। चलिए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, अभी फिर से प्रयास कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है अलेप्पो और दूसरा किरकुक, तीसरा मोसुल। आपको याद होगा, इस पे वीडियो आ चुका है मेरा, तो यहां से भी क्वेश्चन अटैच हुआ, ठीक है। मजारे शरीफ अफगानिस्तान। तो अब इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? तो ऑप्शन इसका जो है 1 और 4 होगा। इस प्रकार इसका जो आंसर बना वो हो गया बी। 38 का ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन 38 का भी होगा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो वो है आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा की अध्यक्ष, यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा, ठीक है। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद से तुरंत रिक्त कर, तो इसका केवल एक ऑप्शन सही होगा, दूसरा गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? इसका ऑप्शन बी सही है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावत के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। दूसरा, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावत के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 का चित्र बड़ी ठड़ी किस जो है शैली का है? तो किशनगढ़ शैली। ये भी जो हमारे क्लास स्टूडेंट है उनको जब मैं शैली बता रहा था तो वहां पर इसका चर्चा कर चुका हूं और बताया भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लेखित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है? तो ये अमेरिका की मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है। याद करिए, एक वीडियो दिया गया था जो है आपको हवाई द्वीप। मुझे एग्जैक्ट याद है कि उस वीडियो में मैंने बोला था या क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन उसी टाइम पे हमने इस पर डिस्कस जरूर किया था अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली के बारे में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 84। इसका 84 का 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही हैं, ठीक है ना। इसको 3D मुद्रण में, ये 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बैरन द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, ये तो सही है, बाकी ये दोनों जो है इसके गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 86 का जो है, 86 है, प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचार पत्रों में उल्लिखित होता है? जिस क्षेत्र में यह उगता वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है इस कारण। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके इनके जो है तीन के तीनों कथन सही हैं। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। तो मेरे जो ज्योग्राफी की क्लास ले रहे थे तो हम अपने अपनी क्लास में इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट किए थे। लक्षद्वीप जब पढ़ा रहे थे, लक्षद्वीप वाला टॉपिक, कोरल लिप्स की बात वहां पे किया था, तो ये वहां से क्वेश्चन है, तो ये सही हो जाएगा। विश्व की एक तिहाई से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज क्षेत्रों में स्थित है। इसकी दूसरे वाले कंटेंट की भी बात किया है। ऑस्ट्रेलिया में हमने वो जो आपको याद किया था कि जो गाना फिल्म आया गया था उसकी जो चर्चा किया था, पानी ब्लू है समथिंग समथिंग करके, तो वो यहाँ से आपको याद आ गया होगा कि वहां पे भी, वहां पर्यटक जाते हैं तो जरूर मास्क वगैरह पहन करके, जो शूटिंग वगैरह होती है वहां पे ज्यादा होती है, ठीक है, वहां ऐसा सुविधा है। विश्व की एक तिहाई से अधिक प्रवाल भित्तियां, समझ में आ गया ये। तीसरा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतुओं और संघों का परपोषण करती हैं। तो
बिल्कुल ये तीनों सही हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 87 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 88। मोमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह है पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? तो UNFCCC सचिवालय द्वारा, 89 का है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है केवल दो सही है, ठीक है ना, बाकी सुमेलित नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। 90 नंबर पे आते हैं, तो ये इसमें पूछा गया कौन से सही सुमेलित हैं, तो एक और तीन सही सुमेलित है, कैटालोनिया स्पेन में है, कैटालोनिया पे बात हुई है बिल्कुल, ये अपने जो है वीडियो से अटैच हुआ है, ठीक है, वीडियो में कैटालोनिया की बात किया गया है, ठीक है ना। अब ये तो ये एक सही हो गया और इसका तीन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, इस प्रकार इसका 90 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 91 पे आते हैं, 91 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, 3214, ठीक है ना। 90 भारत में किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप में चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार, तो इसको आप ऑर्डर में लगाना था, घटना का सही कालानुक्रम करना था, तो ये है इसका 3214, देख लीजिएगा इसको। 92 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसकी उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो अनुच्छेद आपको हमने बताया था जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो किसमें है, अनुच्छेद 21 में है, तो ये तो ऑलरेडी 17, 14 ये सब तो हट ही गया, 24 तो बचा 21, 21 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ये सारे दिए गए हैं। अब इसमें से पूछा गया उपर्युक्त में से किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों कैबिनेट समिति ने की है? तो आप सबको शायद इस पे वीडियो एमएसपी पे नहीं डाल पाया था, एमएसपी पे लेकिन चर्चा हो चुकी थी, एमएसपी पे वीडियो में डालने वाला भी था, शायद कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नहीं कर पाया। हाँ, गले में उस दिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी और हमने पूरा प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया था। चलिए कोई बात नहीं, बहरहाल अगर वो होता वीडियो तो ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होता, बिल्कुल वो डाल दिया जाएगा, स्टेट पीसीएस के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। इसके ऑप्शन नंबर बी सही है, 2, 4, 5 और 6, दो उसके बाद जो है 4 रागी, 5 तिल और 6 हल्दी, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? तो ये तो क्लियर कट है, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, 95 का जो है पूछा गया है केवल एक सही है, पीएसएलवी ने उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों को मॉनिटरन में उपयोगी है, जबकि जीएसएलवी को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो इसके दोनों कथन सही है। अगर आप लोग एनसीईआरटी को ध्यान देते, एनसीईआरटी में बिल्कुल इसकी चर्चा हुई है, बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन अटैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित मदों पर विचार करना है, अब बताना है कि उपर्युक्त मदों में से कौन से जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है। तो 1, 2, 4 सिर्फ डिब्बा बंद मछली जो खुले हैं उन्हीं को जो है जीएसटी से मुक्त है, बाकी जो डिब्बा बंद होगा वो मुक्त नहीं है। तो छिलका उतरे अनाज सही है, मुर्गी के अंडे पकाए हुए विज्ञापन सामग्री, तो इसका इस प्रकार हो जाएगा 1, 2 और 4। कई लोग कंफ्यूज है इस 4 को लेकर के, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। 98 का जो है ए नंबर 1 और 2 जो है सही कथन है, 1 और 2, तीसरा गलत है। संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है, ये डायरेक्ट तो नहीं, मेरे किसी वीडियो में ये इंटरनल मटेरियल में था, इसको हमने कोट किया है, अगर याद नहीं आ रहा है किस में डाला है लेकिन किया है जरूर, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इस बात को मैं बताना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में सेट करना चाह रहा हूं कि अगर सुव्यवस्थित ढंग से कोई चीज पढ़ा और पढ़ाया जाए तो कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती, बस मेरे कहने का ये मतलब है कि मेहनत करना चाहिए हमेशा,
और अपने कमियों को कभी छुपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, कमियां जो हो गई कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये वैसे भी ये जो एग्जाम है इसमें आपके पेशेंस का बहुत बड़ा एग्जाम होता है, और साथ ही साथ इसी से पेशेंस से ही आपका जो है बिल्डअप होता जाता है, माइंड बिल्डअप, और आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो, हमेशा आपको करना चाहिए। अगला वाला डेट भी आ गया है, अगले साल भी 2 जून को पेपर होगा, लगभग 1 साल समय है, आप लग जाइए, आपको कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। कोई बंदा अगर 1 साल मन लगा के पढ़ ले तो रुक नहीं सकता बिल्कुल, लेकिन सुव्यवस्थित सुनियोजित होना चाहिए, ये नहीं कि बस ऐसे ही पढ़ लिया कुछ भी पढ़ लिया। ठीक है, बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीका होना चाहिए, वो तरीका आपको निर्धारित करना होगा, आप अपने अनुसार इसको सेट कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि हमारे अनुसार कीजिए, क्योंकि हो सकता है हमारा तरीका आपका तरीका ना हो, हर व्यक्ति का तरीका क्या होता है अलग अलग होता है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो 98 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 और 2। 99 पे बढ़ते हैं, तो इसका निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा, तो 1, 2, 3, 4 इसके चारों ऑप्शन सही है, पादप रोग फैलाते हैं 4 के 4, बहती हवा, वर्षा, उड़ती धूल, पक्षी, चारों जो है। ठीक है, कुछ लोग जो है 1, 2, 4 बताए वर्षा नहीं, लेकिन वहां से भी होती है। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका 2 और 3 सही है, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका ऑप्शन 2 और 3 सही है। फ्रेंड्स कुछ आगे पीछे पेज हो गया था तो आप देख लीजिए क्वेश्चन को, ये 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कथन जो है इसका 1, 2 और 3 जो है, 2 और 4 सही है। त्यागराज ने अपने अनेक नए रागों का सृजन किया, ये तो बिल्कुल गलत है, पहला वाला भगवान कृष्ण नहीं बल्कि भगवान राम से संबंधित है। ठीक है ना, बिल्कुल। एक्चुअली क्या था कि कई स्टूडेंट ने इस पे, मैं वीडियो बना रहा था, बिल्कुल मैंने अपने क्लास में चर्चा भी किया था इस पे एक बार, कारण था उसका। और एक्चुअली क्या है कि कुछ प्री टॉपिक आप सबको मिल गया था, आप लगातार उस पे फोर्स कर रहे थे, सर इस टॉपिक को लाइए, उस टॉपिक को लाइए, तो मैंने भी सोचा कि और बहुत ही रिस्पेक्टेड सर का दिया गया टॉपिक था, बार बार लोग कह भी रहे थे, तो हमें बिल्कुल गुरेज नहीं था, हमने सोचा पहले उसी को कवर कर लिया जाए, और हम लोग के पास इतना समय कम था कि कई चीजें ऐसी थी जो मेरे आंखों के सामने से निकल गई और मैं आप सबको दे नहीं पाया। ठीक है, इसके लिए लग रहा है मैं ही दोषी हूं थोड़ा सा, और अगर समय से पहले और समय से थोड़ा सा चालू किया होता तो निश्चित तौर पर कुछ प्रश्न ऐसे, कम से कम 4, 6, 10 प्रश्न तो ऐसे हैं मिले जो आपको आसानी से कर पाते आप और भी, तो बहरहाल आगे मैं इस पर ध्यान रखूंगा। तो 44 का जो है 2 और 4 होगा, 2 और 4, 2 एंड 4। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है भारत संस्कृत इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अगले नंबर पे बढ़ते हैं, विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में किसे माना जाता है, इसका 1, 2, 4 होगा, 1, 2 और 4, शक्तियों का प्रतिमन, विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, 1, 2, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध मुद्रा लीगल टेंडर मनी के अर्थ में सही वर्णित करता है। ठीक है, तो यह है वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, ये क्लियर कट है, अगर कॉमर्स का कोई स्टूडेंट होगा तो उसके लिए तो बहुत ही आसान प्रश्न था, और काफी चर्चा में रहा नोटबंदी के बाद, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, ये ट्रेंड चला इसको समझने के, लीगल टेंडर मनी, क्योंकि मोदी जी ने जो यूज किया था शाम को 8 बजे जब वो आए हुए थे टेलीविजन पे, तो लीगल टेंडर मनी की बात किया था उन्होंने, वहां से प्रश्न पकड़ में आ भी रहा था अगर सामान्य तौर पे भी देखा जाता इसे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया आपको, यह सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, जो उपरोक्त वाला प्रश्न था ऊपर, मेरे कहने का एक मतलब और भी है कि जब भी हम कोई चीज देखे सुने तो अपना सिर्फ कान को खुला ना रखे, दिमाग को भी खुला रखे, सोचे जिससे दिमाग में सेट हो जाए, जब भी कभी वो टॉपिक आए तो उस पर अपना मतलब आपका चल सके, जिसको कहा जाता है कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस कैसे डेवलप्ड होता है, ऐसे होता है आपको जो चीजें घटनाएं घट रही है उसके साथ आप लगे रहिए, तो आपका एक अगर आप सही घटनाओं के साथ लगे हुए हो तो निश्चित तौर पर आपका एक सेंस डेवलप्ड होगा, और हमारी समझ से वही क्या होगा, कॉमन सेंस होगा। ठीक है, यदि सरकार द्वारा कोई बस जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाती तो क्या होगा, विकल्प लागत को उत्पादक उत्पाद के उपभोक्ता से शासन को अंतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका डी सही होगा,
विकल्प लागत शून्य होगी, कुछ लोग इस पे भी कंफ्यूज थे, लेकिन हमें लग रहा है कि ये ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही होगा। इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दीजिएगा, ये 47 को लेकर थोड़ा बहुत डाउट है, तो ऐसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसका डी ऑप्शन सही है। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है, बिल्कुल निर्धनता और बेरोजगारी वृद्धि होती है, सही है ये आपका, नहीं ऑप्शन में पूछा हुआ था इसलिए सही हुआ। क्या है ना, आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है, तो ये कहां से करेगी, बेरोजगारी और निर्धनता, तो बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर। आपको हमारी इकोनॉमिक्स के क्लास से जो है आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे ह्यूमन कैपिटल पे, और हम जब चर्चा कर रहे थे कोई वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईएएस पीसीएस के लिए जब मैं टॉपिक बना रहा था तो उसमें हमने कोट किया था कि प्लीज आप हमारे ह्यूमन कैपिटल वाले टॉपिक को जाके जरूर देखें, और मानव पूंजी से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, और एक नहीं आया दो आया एक जगह मैंने और भी इसको देखा है, तो आप बिल्कुल दो वहां से मिले हैं। इकोनॉमिक्स फ्रेंड्स बहुत जल्दी आगे बढ़ना चालू हो जाएगा, फिर से आपको मैं पूरा इकोनॉमिक्स कवर करवाऊंगा यहाँ पे, बाकी सब्जेक्ट के लिए मेरा प्रयास है। और आप सबको जितने भी पीसीएस, यहाँ तीन पीसीएस सामने हैं, एक बिहार पीसीएस और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और राजस्थान का, तो कहने का मतलब इन सबको साथ में लेके चलते हुए आप सबको सारे टॉपिक प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ आपकी समस्याओं को भी सॉल्व करते हुए करते रहेंगे। और अपने जो बेसिक टॉपिक है जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स में चालू कर दिया हो तो इकोनॉमिक्स को, और मैंने पॉलिटी चालू किया है अभी, इस पर थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ आपको अच्छे से इसको कैसे दे दिया जाए, सिर्फ ये नहीं कि पढ़ा दिया जाए ये ऐसा होता है ऐसा हुआ इस आर्टिकल में, ये ऐसा नहीं, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ आपके दिमाग में बिंदु बनाना चाहता हूँ कि कई कई चीजें ऐसी हैं जहां पे रट लो ठीक है, और कई चीजें ऐसी जहां पे बहुत ज्यादा समझ की जरूरत है। तो मेरा पूरा प्रयास है कि आपको बेस्ट कर सकूं, बेस्ट दे सकूं, जितना मेरे अंदर क्षमता है उसका आप सब तक मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही है, देश के लोगों ज्ञान और कौशल स्तरों की क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, बिल्कुल डिट्टो लाइन है, डिट्टो डिट्टो लाइन इसको बोला है हमने क्लास में, और हमने कोट किया है जापान को, जापान में बताया है कि कैसे संसाधनों का वहां अभाव है लेकिन वहां की जो ह्यूमन है और जहां की जो जो जननांकी है, जो जनसंख्या है, उसको कैसे जो है उसको डिविडेंड में कन्वर्ट किया है, जननांकी लाभांश में परिवर्तित किया है, एकदम सीधा सीधा इसको चर्चा में किया है। अगोचर धन का संचय हो जाता है, अगोचर मतलब इनटेंजिबल की बात कर रहा है, वी कैन नॉट एबल टू टच एंड सी ओनली फील, मतलब अगोचर धन, जैसे मान लीजिए कि अगर आप योग्य हो जाते हो, आप पढ़ाई लिखाई कर लेते हो, तो क्या वो दिखता है किसी को, नहीं दिखता, तो बिल्कुल वही 2 और 4 इसके सही है, सब चर्चा किया है बिल्कुल। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है, तो कमजोर प्रशासन तंत्र, निरक्षरता, उच्च जनसंख्या घनत्व और उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, तो नहीं पूछा है, नहीं हो पाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो पाएगा, इसके कारण तो हो पाता है जो है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। संथाल वृद्धों के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए हैं, तो 2 और 1 और 2 इसके ऑप्शन सही हैं, मतलब दोनों सही हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। ये 50 वाले नंबर को क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप लोग। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण से पूंजी निर्माण, अब यहां आगे कोड कर दिया, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है, तो क्यों नहीं हो पाता, कमजोर प्रशासन तंत्र के कारण नहीं हो पाता, निरक्षरता के कारण नहीं हो पाता, उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण नहीं होता, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, तो जो भारत, ये भी सही है, और इन सब में सबसे जो बेस्ट की अगर बात किया जाए तो ये डी वाला इसको ज्यादा प्रेफर कर रहा है, ठीक है। और यहां पे आपका आंसर बदल भी सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक डी होगा, कारण क्या है कि इन सबसे सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये वाला टॉपिक लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे तो ये इसका 51 का जो है सी हमने बता ही दिया। आगे आते हैं जो 52 वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ,
बिल्कुल, ये आपके जो है एनसीईआरटी से पूछा गया टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी से रिलेटेड है, बिल्कुल कहीं दिमाग लगना ही नहीं है, एनसीईआरटी से टॉपिक है। भारतीय शासन, यदि भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तथा उपबंधित अपनी शक्ति का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होगा? उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके अधिक प्राधिकार के अधीन प्रायोज्य होगी। ये बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसका जो है कौन सा ही सुमेलित है? सिर्फ पुतुक्कली जो शाल होता है वो तमिलनाडु में है, बाकी नहीं सुमेलित है। तो आगे बढ़ जाया जाए, जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों में हो सकता है? तो इसके तीनों क्षेत्रों में हो सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन प्रयोजन करता है किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं करता है। तो इसका 2 और 3 सही होगा, पहला वाला गलत है। तो इस प्रकार 56 का सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका 1 और 3 सही है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुछ सौ हजार सालों में उत्क्रमित हुआ, बिल्कुल सही है। और तीसरा इसका सही है, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानाकाई पेटा इंटर, देखिए ये सारे शब्दों का प्रयोग बड़ा खींचतान के हुआ था और कंफ्यूज करने का पूरा प्रयास किया गया। इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो क्रिप्टो करेंसी से भी कुछ मिलते मिलते शब्द हैं, इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बन रही थी। साइबर आक्रमण, बहरहाल इसका आंसर सी सही होगा जो है। भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी के संदर्भ में संरक्षण कृषि संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है, इसका 2, 4 और 5 सही है। 2, न्यूनतम जोत को अपनाना, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशेष का उपयोग करना, और उसके बाद 5, इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छठा व्यापक विलोम, छठा विलोम यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचार पत्रों में लिखित हुआ? तो यह है मानव द्वारा प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर डी, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का संविभाजन, नाश, परितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो इसका कथन नंबर 1 सही है। IRNSS ने तुल्यकाली जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूतुल्यकाली कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं, तो आइए जो है यही सही है, बाकी इसके गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये फ्रेंड्स ये बुकलेट नंबर ए है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है, और उसके बाद ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है जो है, कहा गया निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। ये तो देखिए कैसे क्वेश्चन को कैसे कनेक्ट करके इधर उधर कर दिया जाता है पूरा टॉपिक, आप ये समझो बिल्कुल, ठीक है ना? आप इसको आपके दिमाग में होगा, किन्होंने बताया था कि लगातार ब्रह्मांड फैल रहा है, अभी चर्चा हुई थी ना, याद करिए, बिल्कुल याद आ रहा होगा आपको, स्टीफन फ्लेमिंग की बात चल रही थी ना। बहुत ये सब टॉपिक ऐसे ही होते हैं, आप टॉपिक को समझिए, 19 के लिए तैयार होइए, कैसे आपको सोचना है टॉपिक को। वहां से ना उठा के एल्बर्ट आइंस्टाइन को ले लिया और वहां पे उसमें रिलेटिविटी से रिलेटेड टॉपिक को उठा लिया, 19 से कनेक्ट वो भी था, इसकी चर्चा भी बीच बीच में हुई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, भारत में विकसित अनुवांशिक रूपांतरित सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये कुरुक्षेत्र में टॉपिक में आया हुआ था, किस महीने में था वो एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, किसी में था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही होगा, केवल 2, जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो इसका केवल कहा गया कौन सा ही सुमेरी थे, तो 2, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, डिजिटल आप ले क्रिप्टो करेंसी है। बिल्कुल आप जान लीजिए कि कई क्वेश्चन हमारे वीडियो से टैली किए हैं, और अगर किसी ने मेरी पूरी वीडियोस को देखा है तो उसको काफी हेल्प हुआ होगा कम समय में फ्रेंड्स।
और हमारा पूरा प्रयास होगा, आगे मैं आपको ऐसे ही जो है इस सहारा देता रहूं, और प्रयास मेरा रहेगा हमसे ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठा सको। फ्रेंड्स आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोगों तक पहुंचे वीडियो, हमारे जो है चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, इससे हमारा भी उत्साह बढ़े और हम लगातार आपके लिए अच्छा से अच्छा काम कर सके। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब स्मार्टफोन वाला जो ये क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका आंसर सही होगा बी। जब सुबह आपके सामने आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं अलार्म बंद करने के लिए उसे थपकी देते हैं, तो मतलब ये जो टॉपिक है बड़ा सा ये रिलेटेड है जो है बी, इसका ऑप्शन होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसके एक दोनों कथन गलत हैं। इस ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। निम्नलिखित भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन से संदर्भ में ये जो कथन है गलत है। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में निर्यातित प्रमुख पर्णीय पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? जो है तो कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। आगे बढ़ जाया जाए, 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? अशोक मेहता, टीएस रामानुज और जीजी मेहता। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से है। भारत के संस्कृत इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन दो जो है सही है और एक गलत है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? इसका ऑप्शन नंबर बी है, टेवर्नियर ने किया था। टेवर्नियर ने इसकी व्याख्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होते हैं? तो मैत्रेय, ध्यान दीजिए किसके अनुसार, बुद्ध के अनुसार। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ऐसा नहीं कि पहला नहीं होगा, पहला वाला भी है। सॉरी, कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो पहला तो है, अपने वो कहते थे ना कि आपको सेना रखनी पड़ेगी, सहायक संधि जब थोपते थे कहते थे कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, रक्षा करने की बात करते थे और सेना रखते थे उन्हीं के खर्चों पर, ठीक है। और भारत को नेपोलियन से खतरा था, टीपू सुल्तान जाके मिल जाता है ना, तो वाला मैटर है। तो इस प्रकार इसका बी भी जो है सही है, हो जाएगा। नहीं वाला आंसर तो सिर्फ सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? तो एक दो तीन, तीनों का रोल रहा है। 1813 जनरल कमेटी, 1823 ठीक है आंग्लविद विवाद, ये भी रहा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो पहला है कायकनाल तमिलनाडु। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये फ्रेंड्स, ये जब जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में मिला हुआ है, सब टॉपिक बिल्कुल मिलता है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका दो और तीन सही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास में दो और तीन सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट पेज है ये। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहली हुई? तो सबसे पहला दीन बंधु मित्र ने दर्पण का लेखन किया 1858 और 1859 में। ये तो 1875 में हुआ, 1863 में हुआ, ठीक है, यही सही है। 1858 टू 59 में हुआ। 81 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दो और तीन। निम्नलिखित में कौन नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं? तो दो और तीन इसका आंसर सही है। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका केवल तीन सही है।
कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीभवन में योगदान कर सकती है। आप लोग को जो ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, जब पढ़ा रहे थे हम ज्योग्राफी, और जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा, हमने बताया था कि होता क्या है कि जब जहां ज्यादा सिंचाई होती है, मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम लिया था और बताया था कि जब जहां पे सिंचाई बहुत ज्यादा होती है तो होता क्या है कि पानी या तो क्या होगा उड़ जाएगा वाष्पीकरण के द्वारा या तो नीचे चला जाएगा, लेकिन जो पानी के साथ जो नमक होता है लवण होता है वो उस पर रह जाता है जमीन पे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भारतीय PAGE को अपेक्षाकृत हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रियो डी जेनेरियो 2012 में संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम लोग जो है कि कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए फ्रेंड्स ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे हम आपको सीधा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका पहले ही और आप सबको आंसर बताना जरूरी था, तो किसी दिन और भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन आपको इतना बता देते हैं कि इसकी मेरिट जो जाएगी अप्रोक्स पूरा पेपर देखने के बाद, अब विगत कई वर्षों के जो है जो पेपर हुए हैं उसका एनालिसिस करने के बाद मैं बिल्कुल आश्वस्त कर सकता हूं जिसका 52 से 54% सही होगा, 100% वो सिलेक्ट हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। इसी हिसाब से ओबीसी SC ST अपना बना ले, ठीक है। तो बिल्कुल आशा करते हैं कि आप सब जो है सेलेक्ट होंगे मेंस के लिए। अगर किसी का जो है क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके बीच से ही एक हमारे मित्र ने हमें व्हाट्सएप पे लिखा था कि अगर जो है पेपर अच्छा होता है तो ठीक, अगर जो है नहीं होता है तो फिर तैयारी चालू। तो बिल्कुल यही सोच रखना चाहिए और आगे ऐसे बढ़ जाना चाहिए। तो आप सबको जो है नमस्कार बोलता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए प्लान के साथ, 3-3 स्टेट पीछे से सामने, उन सबको ध्यान में रखते हुए। और 2019 के लिए, क्योंकि डेट आ चुकी है 2 जून है, एक साल आपके सामने है, इसलिए लग जाना है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहे हैं और नई एनर्जी नए ऊर्जा के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।